तो दोस्तों पेट्रोल भरा चुका हूँ मैं और यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं और रोड को हमेशा और बाइक चलाते थे ओवरटेक तो करना ही पड़ता है कई बार। रोड के बीच में कांच पड़े हैं, लगता है किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा यहाँ पर। मैं समझ गया, फोन आ गया था तो अभी मैं यहाँ पर हाईवे पर रुका हुआ हूँ और अभी देखिए कितना मस्त मौसम हो रहा है और अभी मैं हेलमेट वगैरह बोल रहा हूँ। से पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लो जी एक और ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समापर सिटी। तो आज मैं घर से दोपहर को 3 बजे ब्लॉग शुरू कर रहा हूं और अभी मैं जा रहा हूं गैलेक्सी नरोड़ा क्योंकि मुझे वहां पर एक बाइक डॉक्यूमेंट का काम है। तो चलो चलते हैं वीडियो में, आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता लाइक कीजिए और चैनल पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कंटिन्यू वीडियो बने रहे और प्यार और आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रखे। तो मैं तैयार हो चुका हूँ और हेलमेट भी ले लिया मैंने, अभी मैं चलूँगा बाहर और पहले गाड़ी साफ करके निकलता हूँ यहाँ से और फिर चलता हूँ पहले पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर पेट्रोल भरा के फिर निकलते हैं गैलेक्सी की तरफ। फिर वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट काम करेंगे, वो काम होने के बाद फिर लगभग काम हो जाएगा तो फिर गांधीनगर भी जाना है घर। तो चलो ये जी अपनी अपनी पल्सर भी रेडी है और सबसे पहले करता हूँ चाबी ऑन और चलते हैं। और पंप पे आ चुका हूँ तो अभी इनसे मैं पेट्रोल पहले फिलअप करा देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों पेट्रोल भरा चुका हूँ मैं और यहाँ से भी हम लोग निकल जाते हैं और रोड को हमेशा क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ चेक कर लेना चाहिए क्योंकि दिक्कत क्या होती है मालूम है, आप लोग का ध्यान नहीं रहता है और बहुत सारी गाड़ियाँ आती है वो फिर आपके साथ में कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आप सावधानी से चलें। थोड़ी भी लापरवाही आपकी और आपके परिवार के लिए खतरा बन सकती है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और मैं आ चुका हूँ पीछे वाले रोड पे। अभी मुझे लगता है गाड़ी के अंदर मिरर लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि जब भी चलता हूँ तो पीछे की साइड में कोई आते हो तो पता ही नहीं पड़ता है, ऐसे अंदाज से मेरे को गाड़ी आगे निकालनी पड़ती है। ऐसे में कोई ठोक के चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी और बाइक चलाते तो ओवरटेक तो करना ही पड़ता है कई बार। तो दोस्तों मैं भी है ना इंदिरा ब्रिज के ऊपर पहुंचने वाला हूं और आप देख पाएंगे तो सामने ही ग्रीन कलर में बोर्ड लगा हुआ है और इसके ऊपर कायदे सर बड़े हिंट में दिया हुआ है, थैंक्स फॉर विजिटिंग द कैपिटल ऑफ गुजरात, गुजरात की राजधानी की मुलाकात के बदले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पाटनगर गांधीनगर। क्योंकि गुजराती के अंदर जो राजधानी होती है उसको पाटनगर बोलते हैं तो ये गांधीनगर को पाटनगर बोला जा रहा है। तो अभी हम लोग देखिए मैं इंदिरा ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ और इंदिरा ब्रिज का व्यू भी आप देख पाएंगे। तो इस तरफ मोटेरा स्टेडियम है और अपनों को यहाँ से लेफ्ट लेना है, इंदिरा ब्रिज सर्कल आ चुका है, जैसे ब्रिज पार किया मैंने सर्कल आ गया तो यहाँ से मैं मारूँगा लेफ्ट टर्न और अपने को जाना है गैलेक्सी क्योंकि अपने को वहाँ पर जो अपने इको आए तो उसके डॉक्यूमेंट का कुछ काम पेंडिंग चल रहा है वो हम काम करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा हम लोगों को पहले। रोड के बीच में कांच पड़े हैं, लगता है किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होगा यहाँ पर, तो कांच फूट गए होंगे तो कांच पूरे बिखर जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ऐसा मेरे साथ में भी एक बार हुआ है क्योंकि जो मेरे पास गाड़ी खड़ी थी मेरे तो एक बेवड़ा शराबी ने सामने से हाथ मार दिया था उसके ऊपर तो सारे कांच टूट के बिगड़ गए और मेरे नाक के ऊपर भी कट लगा था, अच्छा हुआ मेरी आँख में नहीं गया कांच का टुकड़ा वरना बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो कांच जो होते हैं कभी भी टूटते हैं तो अंदर की साइड में बहुत कम आते हैं बाहर की साइड में जाते हैं। और अभी मैं आ चुका हूँ भद्रेश्वर टर्निंग के ऊपर और ये एयरपोर्ट की बाउंड्री आप देख पाएंगे तो, और ये एरिया हमेशा बहुत मस्त रहता है, एनियर क्राउड वाला रहता है शाम के टाइम में, यहाँ पर फ्रूट्स वाले बहुत स्टॉक में फ्रूट लगाते हैं। अभी तो देखिए ये फुटपाथ बना दिया है यहाँ पर, पहले नहीं था फुटपाथ तो
अभी क्या हो रहा है मालूम है, पहले ये लोग बहुत बाहर के साइड में रहते थे, अभी इनको अंदर के साइड में कर दिया है। लेकिन यहाँ पर एनी टाइम रौनक जरूर रहती है भाई, हरियाली हरियाली बापू। दे पाएंगे तो ये एयरपोर्ट की बाउंड्री का भी काम चल रहा है प्रोसेसिंग में, लगता है कुछ न कुछ यहाँ भी कुछ पेंडिंग है वो काम चलेगा। हो अभी धीरे धीरे अहमदाबाद बहुत डेवलप की तरफ जा रहा है, बहुत डेवलप, कंस्ट्रक्शन इतना चल रहा है, बहुत ज़्यादा की साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पर। और अभी ये टर्निंग में आ चुका हूँ, यहाँ से जब भी शाम को बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर, क्योंकि इस साइड से फ्लाइट आती है और यहाँ पर ही लैंड होती है, तो यहाँ पर बहुत पब्लिक रहती है। अभी तो नहीं है लेकिन शाम के टाइम में बहुत पब्लिक रहती है यहाँ पर। बल टर्निंग को टर्न मार रहा हूँ, फॉर्चूनर वाले ने भाई साइड दबा दी मेरी, बड़ी गाड़ी है इनको कुछ बोल भी नहीं सकते, रोक के चले जाएंगे, बोलेंगे इंश्योरेंस है क्लेम कर लो, आपको जो भी करना कर लो। तो चलो अपने को अपनी सेफ्टी रखनी है। और आज के अभी मैं पहुंच चुका हूं सुभाष नगर, तो यहां पर सामने की साइड में एक साईं बाबा का मंदिर है। तो मैं एक्चुअली एयरपोर्ट के सर्कल ग्राउंड को घूम के ही आया हूं, उस साइड से आया था मैं, सामने की साइड से यूँ घूम के इधर राउंड मार के वापस जा रहा हूं। और ये साईं बाबा का मंदिर है, आज ये देख पाएंगे सबरस। इंडिकैप पहुंच चुका हूं, इस एरिया को इंडिकैप बोलते हैं, एयरपोर्ट के पास में ही है ये इंडिकैप सर्कल। यहां से अभी मेरे को लेफ्ट मारना पड़ेगा, सीधा जो रोड जा रहा है वो जा रहा है पाटिया, और ये जो रोड जाएगा वो जाएगा पहले गैलेक्सी, उसके सीधे सीधे आगे आएगा नरोड़ा। मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि मुझे भी, मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, मैंने भी नया नया ब्लॉग चालू किया है तो कुछ ज़्यादा अनुभव नहीं है। अगर आपका सजेशन से मेरे कोई ब्लॉग में इम्प्रूव होता है तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात होगी, कोई यहाँ पर चेंज किया है या इम्प्रूव किया है। तो यहाँ से मैंने गैलेक्सी अंडर ब्रिज के अंदर चला गया हूँ मैं, और ये देख पाएंगे गैलेक्सी अंडर ब्रिज है। और ये ब्रिज है ना, अंडर ब्रिज ऊपर रेलवे क्रॉसिंग है, और यहाँ बारिश के टाइम में बहुत दिक्कत रहती है, और बारिश होगा ना वो शाम के टाइम में तो यहाँ पर बहुत क्राउड रहता है। अब इस ट्रैफिक में फंस गए ना तो आराम से आपका एक घंटा खराब हो जाएगा, इतना क्राउड रहता है, रोड छोटा है और गाड़ी बहुत आती है इस रूट पर, तो शाम का आपका रूट ख़राब होने वाला ही है। आप कभी भी आए तो सोच समझ के आएँ। आगे जा ही नहीं पाए, तो लो जी मैंने क्रॉसिंग कर लिया है और मैं आ चुका हूं भी हाईवे के ऊपर, सिटी हाईवे। ये नारोल वाला हाईवे, नारोल बड़ा चिलोड़ा वाला हाईवे, और लेकिन मेरे को भी रिटर्न मारना पड़ेगा, रिटर्न तो मेरे को नीचे होके वापस उस साइड में जाना है, यू टर्न मारना है, तो मेरे को ऊपर से टर्न नहीं मार सकता। तो ब्रिज के नीचे से रास्ता दिया हुआ है, तो आप देख पाएंगे ये ब्रिज के नीचे ही लोगों ने तो अपने अपने आशियाना बना दिया भाई, गवर्नमेंट के अड्डों पर किसने पार्किंग बना दी, किसने क्या बना दिया, बहुत गजब की चीज़ हो गई है भाई। गवर्नमेंट के कर्जे के ऊपर सबके अपने अपने से, देखो ये गजब के पार्किंग वाले सिस्टम बना दिया यहाँ पर लोगों ने अपने अपने, ये रूम है एकदम रोड के अड़े हुए हैं
और सामने की साइड में इन लोगों ने पार्किंग बना दी है और सबके देखिए रहने के लिए इन लोगों ने अपने खाट वगैरह सब सामान वगैरह इधर शिफ्ट कर लिए। कोई बोलने वाला तो है नहीं इन लोगों को। तो फ्रेंड्स मेरे को यू टर्न मारना है यहाँ से, तो ये देखिए ये है ब्रिज और ब्रिज के नीचे से मैंने यू टर्न मार दिया है। और फ्रेंड्स अभी मैं यहाँ से चलता हूँ वापस। तो दोस्तों मैं फाइनली अभी डेस्टिनेशन पर पहुँचने वाला हूँ, यहीं पे मेरा काम था तो मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये है जय भवानी मोटर्स, तो यहीं पर अपना काम था तो यहीं पर अपन गाड़ी मैंने यहाँ पार्किंग कर दी है रोड के ऊपर ही। और चलो पहुँच चुके हैं तो अभी हम लोग चलेंगे अंदर की साइड में और अपना डॉक्यूमेंट वाला काम करके फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर और चलता हूँ अंदर की साइड में। मैं जाऊँगा अंदर ऑफिस में और देखते हैं कौन मिलता है यहाँ पर। क्या हाल चाल अजू भाई, मजा में? क्या हुआ? बस कुछ नहीं हुआ यार, आप लोग तो आते हैं मैंने बोला मैं मिल के आ जाता हूँ। तो चलो जय भवानी मोटर्स पे आ गया हूँ और मिलते हैं इनके ऑफिस में जाके। सर क्या हाल चाल है? तो गाइस अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, थोड़ी देर बैठते हैं और डॉक्यूमेंट का काम करते हैं फिर निकलते हैं वापस यहाँ से। तो फ्रेंड्स अपना जो काम था वो हो चुका है और यहाँ से अभी मैं वापस निकलता हूँ और बाहर पड़ी अपनी गाड़ी उसको चालू करके निकलता है। चलो टिकू भाई चलो मिल जय माता की, यानी अपना डॉक्यूमेंट वाला काम हो चुका है और चलेंगे अभी भाई गाड़ी स्टार्ट करके। वो अगर वो एजेंट फ़ोन उठाता तो मेरे को अभी गांधीनगर जाना पड़ेगा, अभी मैं लगाता हूँ उसको वापस कॉल और नहीं पिकअप करेगा तो फिर कल या परसों टाइम निकाल के जाएंगे। अभी एक बार उनसे बात कर लेते हैं, अगर वो उठा देते हैं तो फिर चलते हैं। तो ये अपनी गाड़ी पे आ चुकी है पल्सर और ये है अपने डॉक्यूमेंट जो मेरे को यहाँ से रिसीव करने थे। तो गाइस अपना काम हो चुका है और यहाँ से मैंने गाड़ी को वापस टर्न मार लिया है। फोन आ गया था तो भी मैं यहाँ पर हाईवे पर रुका हुआ हूँ और अभी देखिए कितना मस्त मौसम हो रहा है और अभी मैं हेलमेट में ज़्यादा बोल रहा हूँ तो सुन नहीं पा रहे होंगे आप लोग। और ये है एयरपोर्ट की बाउंड्री जो मैं आपको दिखा रहा था और यहाँ पर एक फ़ोन मैंने पिकअप किया, इसके लिए मैंने यहाँ रुक गया था। तो एक्चुअली आगे वाला बंदा जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है तो अभी मेरे को घर जाना पड़ेगा और एक्चुअली कल जाना पड़ेगा गांधीनगर, तो जो कल का दूसरा होगा वो कल दिखाऊंगा मैं। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं घर और बच्चों के लिए कुछ ले लेता हूँ फ्रूट वगैरह और फिर घर जाके आपको वीडियो शूट करके दिखाता हूँ जो भी होता है आगे का वीडियो। अभी घर पर जाके तो दोस्तों गणपति की सजा चालू हो गई है भंडारों पर और फाइनली मैं घर पहुंच गया हूं। अभी देखते हैं गोलू वगैरह आके खड़े होंगे, अभी अच्छे दिखा देते हैं हम लोग। तो दोस्तों अभी मैं जाकर घर पहुंच चुका हूं वापस और पसीना पसीना हो गया, बहुत गर्मी है बाहर अहमदाबाद के अंदर। अभी भी अक्टूबर महीने में बहुत सारी गर्मी हो रही है
अभी तो ठंड चालू नहीं हुई है, तो चलो घर आ गए, थोड़ा पानी में पी के रेस्ट करते हैं। तैयारी हो चुकी है, तो अभी हम लोग चाय पीते हैं और आराम करने के बाद में उठ चुके हैं और चाय पियेंगे। उसके बाद में अभी टाइम हो चुका है ग्राउंड में जाने का, तो अभी चाय पीते हैं पहले, उसके बाद ग्राउंड में जाके वहाँ पर शूट करेंगे और आगे वीडियो वहाँ से शूट करेंगे।